नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए दोस्तों, अंग्रेज़ी की पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है इज़, एम और आर। यस, आज हम सीखेंगे हमारी क्लास में इज़, एम और आर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। जी दोस्तों, हम सब ने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का नॉलेज ले ही लिया, सिंगुलर प्लूरल की जानकारी हमें हो ही गई, तो इज़, एम, आर पढ़ने में हमें बहुत ही आसानी होगी। जी दोस्तों, तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट पर्सन पर। यस, तो फर्स्ट पर्सन दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने सीखा, सिंगुलर और प्लूरल। यस, फर्स्ट पर्सन सिंगल में आता है आई, तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, ए एम, एम। यस, उदाहरण के तौर पर आई एम अ गुड बॉय। यस, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, आई एम अ गुड बॉय। तो आई के साथ हमने क्या लगाया, ए एम, एम। आई सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, जिसके साथ हमने लगाया ए एम, एम। यस दोस्तों, नेक्स्ट हम आते हैं फर्स्ट पर्सन के प्लूरल पर। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है वी या वी ऑल, तो वी ऑल या वी के साथ हम लगाते हैं ए आर ई आर। यस, वी आर गुड फ्रेंड्स, हम सब अच्छे दोस्त हैं। वी ऑल आर गुड फ्रेंड्स, हम सब अच्छे दोस्त हैं। जी दोस्तों, तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ हमने क्या लगाया, ए आर ई आर। यस, नाउ हम सेकंड पर्सन पे आते हैं। सेकंड पर्सन सिंगल, सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर में आता है यू, यू के साथ हम क्या लगाते हैं, ए आर ई आर। यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। इसी के प्लूरल में हम आते हैं सेकंड पर्सन प्लूरल में, जिसे हम यू ऑल कहते हैं। यू ऑल आर गुड बॉयज, तुम सब अच्छे लड़के हो। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन सिंगल और प्लूरल में दोनों ही जगह हमने क्या लगाया है, ए आर ई आर। यस, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। नाउ थर्ड पर्सन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ही और थर्ड पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन सिंगल में हम आते हैं, थर्ड पर्सन सिंगल में हम आते हैं ही शी, या फिर राम श्याम, या फिर सीता गीता। इनके साथ हम क्या लगाते हैं, आई एस इज़ लगाते हैं। जी दोस्तों, थर्ड पर्सन सिंगल के साथ हम आई एस इज़ लगाते हैं, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, या फिर हमें, हम उन्हें ही शी कह के भी एड्रेस कर सकते हैं। जैसे कहते हैं वह एक लड़का है, तो ही इज़ अ बॉय। यस, तो ही के साथ हमने क्या लगाया, आई एस इज़। थर्ड पर्सन प्लूरल में अब हम आते हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल में हो जाता है दे या देम, टी एच ई वाई दे या टी एच ई एम देम, तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं, ए आर ई आर। यस दोस्तों, तो दे देम के साथ या थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, ए आर ई आर। दे आर गुड बॉयज़, यानी कि वे लोग अच्छे लड़के हैं। यस, ही इज़ अ गुड बॉय एंड दे आर गुड बॉयज़। इज़ और आर, यानी सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमने लगाया इज़ और थर्ड पर्सन प्लूरल में हमने लगाया ए आर ई आर। ना दोस्तों, थर्ड पर्सन सिंगल में और एक बात है, जब हम वस्तु और चीज़ों के बारे में बात करते हैं, किसी भी वस्तु, जैसे टेबल हो, चेयर हो, पेन हो, पेंसिल हो, किसी भी वस्तु के बारे में हम बात करते हैं, तो टेबल, चेयर, तो उसे हम वस्तु का नाम भी ले सकते हैं, या फिर हम वस्तु का हम नाम भी ले सकते हैं, या फिर वस्तु का हम नाम भी ले सकते हैं, या फिर हम उसके कह सकते हैं कि आई टी इट भी कह सकते हैं। वस्तु की नाम की जगह हम आई टी इट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि इट इज़ अ टेबल या फिर इट इज़ अ चेयर। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें यदि एक साथ है, तो हम उसे क्या कहते हैं, दीज आर चेयर्स एंड दीज आर टेबल्स। यस, दीज यानी कि वे सब, वे सारी चीज़ें टेबल हैं, या वे सारी चीज़ें चेयर्स हैं। दीज आर टेबल्स एंड दीज आर चेयर्स। तो थर्ड पर्सन के प्लूरल में वस्तुओं के साथ भी हमने क्या देखा, ए आर ई आर लगाते हैं। आशा करती हूँ इतनी दूर आपको समझ में आया होगा, इज़, एम और आर की पहचान आपको हो गई होगी। यस दोस्तों, तो चलिए हम अपने वोकैबुलरी पे आते हैं। तो आज का हमारा शब्द है, वोकैबुलरी का हमारा आज का टॉपिक है पार्टी। यस दोस्तों, तो पार्टी करना हम सबको बहुत पसंद है, पार्टी हम सबको अच्छी लगती है, और बहुत दिन से हमारी पार्टीज बंद भी हो रखी है। तो चलिए दोस्तों, आज हम पार्टी से रिलेटेड ही शब्द सीखेंगे। यस, तो पार्टी से सबसे पहला रिलेटेड वर्ड है थ्रो, T H R O W, थ्रो। थ्रो यानी फेंकना, यहाँ पर फेंकना वर्ड नहीं है, यहाँ पर देना वर्ड, यहाँ का पार्टी का मतलब है देना। आप जब किसी को पार्टी देते हैं, तो उसे कहते हैं पार्टी थ्रो कर रहे हैं, यानी पार्टी दे रहे हैं। जी दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड पर हम आते हैं होस्ट, H O S T, होस्ट। होस्ट यानी कि जो जो पार्टी दे रहा होता है, जैसे मैं पार्टी दे रही हूँ, मैं अपने दोस्तों को अपने घर बुला रही हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों को अपने घर बुला रही हूँ, मैंने एक पार्टी दी है, तो मैं क्या हो जाती हूँ, H O S T, होस्ट। यस दोस्तों, इसी से रिलेटेड है गेस्ट, GUEST, गेस्ट। जो मेहमान मेरे घर आएंगे, मैं जो होस्ट हूँ, मेरे घर जो मेहमान आएंगे, वो मेरे गेस्ट हो जाते हैं, GUEST, गेस्ट।
यस दोस्तों, नेक्स्ट होता है विजिट, VISIT विजिट, यानी मैं जब किसी के घर जाती हूँ या कोई मेरे घर आता है तो उसे क्या कहते हैं, विजिट करना। विजिट करना यानी मैं आई हूँ किसी के घर या मेरे घर कोई आया है तो विजिट किया है, VISIT विजिट। यस दोस्तों, नाउ पार्टी, अच्छी अच्छी पार्टियाँ दी जाती है, केटरर को बुलाया जाता है। केटरर वर्ड हमने बहुत लोगों से सुना होगा, तो ये केटरर का क्या मीनिंग होता है लिख लीजिए स्पेलिंग, CATERER, केटरर। केटरर का मतलब होता है जो खाने पीने के अरेंजमेंट कर देता है हमारे लिए हमारी पार्टी में, तो उसे केटरर कहते हैं, जिसको हमने जिम्मेदारी दे दी होती है पूरे पार्टी के खाने पीने की अरेंजमेंट की, तो उसे हम केटरर कहते हैं। जी दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है पार्टी में खाने का मेन्यू। मेन्यू मतलब कि क्या क्या डिशेज आपके पार्टी में आपने रखी है, तो उसे कहते हैं मेन्यू, MENU, मेन्यू। जी दोस्तों, ऑर्गेनाइज, दूसरा वर्ड है ऑर्गेनाइज, ORGANIZE, ऑर्गेनाइज। यस, ऑर्गेनाइज का मतलब है कि जो आयोजन मैंने किया है, जो पार्टी मैंने दी है, मेहमान के आने से लेके मेहमान के जाने तक जो पूरी व्यवस्था जो मैंने एक पार्टी के लिए की है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज कहते हैं। यस दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड हमारा है शेफ़, CHEF, शेफ़। ना बेस्ट कुक को हम बुलाते हैं अपनी पार्टी के लिए, जो बहुत अच्छे से अच्छा खाना हमारे मेहमानों को खिला के उन्हें बहुत खुश करें, तो उसे बहुत अच्छे से कुक जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं शेफ़, CHEF, शेफ़। यस दोस्तों, नेक्स्ट लिखिए दोस्तों, तो ये सारे शब्द हमारे पार्टी से रिलेटेड शब्द हैं। आशा करती हूँ कि आपने ये सारे शब्द लिखे होंगे और अपने अपनी वोकैबुलरी में जोड़ लिए होंगे और वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो अपने कमेंट सेक्शन में जाके फीडबैक अवश्य दें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और व्यू अवश्य करें और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।